फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हीरर ऑफ द एजेस 11111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि आने वाले 7 दिन में आप ले लो कि आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है आपकी जिंदगी में। कोई आपकी ऐसी विश है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि अब पूरी हो जाए, अब हो जाए, तो क्या है वो विश जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पूरी हो जाए। ऑलराइट, तो ये रीडिंग जो है आज मैंने पाइल्स में डिवाइड किया। आप देख सकते हो कि आपके सामने 4 ऑप्शंस मैंने रखे हैं। तो आज लेकिन आपको इस रीडिंग में इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं कोई और अल्फाबेट या नंबर्स नहीं दे रही। तो अगर आपको ये पहला वाला क्यूट सबुत्ता आइडल मैरून कलर का पसंद आ रहा है तो आप पाइल 1 की देख सकते हो। अगर ये वाले ब्लू कलर का आइडल पसंद आ रहा है तो आप पाइल 2 की देख सकते हो। ये वाला पसंद आ रहा है तो पाइल 3 की देख सकते हो। और अगर ये है आपकी चॉइस तो आप ये वाली रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, तो रीडिंग आज टोटली आपके इंट्यूशन के ऊपर है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 7 दिन में आपकी कौन सी विश जो है आपकी वर्क रिलेटेड है, आपके हेल्थ को लेकर है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर है, फैमिली को लेकर है, जो कुछ भी है, जो भी आएगा, या फिर अगर कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो इस बारे में अगर आपको यूनिवर्स इंडिकेशन देना चाहती है तो हम देखते हैं कि कौन सी विश पूरी होने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले वीडियोस। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। पाइल 1, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये क्यूट से मैरून कलर के क्यूट बुद्धा को, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आपकी ऐसी विश जो पूरी होने वाली है और कब तक पूरी होने वाली है, क्या है वो विश, क्या आप सोच रहे हो किसी चीज को लेकर। ओके, कौन सी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है? तो मेजर आर्काना कार्ड से एक निकालने वाले हैं कार्ड और फिर हम देखेंगे बाकी के लिए। ऑलराइट, आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑलराइट, ओके, फिर बॉटम से आया है हैंडमैन। ओके, चलिए हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालते हैं फिर हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है आपकी? ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट। ऑलराइट, लग ही रहा था क्योंकि हैंगमैन आया है तो हर्मिट आना था, स्ट्रेंथ भी है, सन, ये वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड मैं लूंगी, 5 ऑफ कप्स। ओके, 5-1, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। और बॉटम से जो एनर्जी रूल कर रही है वो है टेम्परेंस। ओके, चलिए अब हम पाइल 1 साइन और एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लियो सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट लियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे फायर साइन तो है ही, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, वर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई भी है, तो सारे के सारे साइन और एलिमेंट तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं, सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो चलिए बताते हैं पाइल 1 की कौन सी जो विश है या फिर क्या है जिससे आप बाहर निकलने वाले। देखिए, सबसे पहला जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए करंट सिचुएशन में वो ये है कि कोई पर्सन तो है जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा जिन पर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करी है, जिनका आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है,
उनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और आपको हमेशा ये लगता था कि ये पर्सन आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर यही वो पर्सन है जो आपके फाइनल, यू नो, एक कहते हैं ना कि बस इसी से मुझे शादी करनी, तो आपने इस पर्सन का इस तरीके से इंतज़ार किया, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको, यू नो, बीच रस्ते में, या फिर आप कह सकते हो, यू नो, एक अननोइंग से ऐसे जगह पे, ऐसे परिस्थिति में आपके मन में आपको छोड़कर शायद आगे निकल गए, या फिर आपको अकेला ही रख दिया। तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकेली, डाउन और बहुत ही सैड एनर्जी है, क्योंकि आप इस एनर्जी के हो नहीं। क्योंकि अगर आप फायर साइन से बिलोंग करते हो, और मुझे लग रहा है फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आप फायर साइन के हो तो फायर साइन के लोग ऐसे नहीं होते। बट जब ये दिल का मामला होता है, और क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपके पास्ट में भी जितने रिलेशनशिप हुए है ना, सब में कहीं ना कहीं एक धोखा था, एक स्टेबिलिटी नहीं थी, बट इस पर्सन को देखकर आपको फील हुआ था कि यही वो पर्सन है जो मुझे समझेंगे, जो मेरा साथ देंगे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ से अभी तो चले गए हैं, अभी तो ये पर्सन नहीं है। तो आपकी विश ये है कि आपको चाहिए क्लैरिटी इस पर्सन से कि क्या बात है भाई, आप मुझे या तो बता दो कि आपको रहना है या नहीं रहना है, आपका इंतज़ार करना है कि आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यू नो, आप दुखी हो, हर्मिट मोड में हो, और आपकी विश भी यही है, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो आपकी विश भी यही है कहीं ना कहीं डिवाइन के तरफ से कि आप चाह रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इसके अलावा, रिलेशनशिप के अलावा भी जो है आपके लाइफ में और सी बहुत चीज़ें प्रायोरिटी में है, जैसे कि आपका वर्क और करियर जो है वो मुझे लग रहा है अभी तक आप सेटल नहीं हुए हो, बट उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर हो, फैशन इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो वर्क करते हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग मीडिया में है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं। तो आपकी बिजनेस भी जो है, आपका जो वर्क जो है, वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो आप डिवाइन से क्लैरिटी मांग रहे हो, आप डिवाइन से चाह रहे हो कि भगवान मुझे क्लैरिटी दे दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है। आप ये तीन कार्ड देख सकते हैं, यहाँ से आया है हर्मिट, देखिए फिर से यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, आप देख सकते हो दो दो हर्मिट है यहाँ पर। तो ये बहुत ही श्योरिटी है कि हाँ, आपके लाइफ में जो है ऑब्स्टिकल्स बहुत है, आप देख सकते हैं ये तीनों कार्ड्स। हैंगमैन है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, ना आगे बढ़ना है, ना इसका इंतज़ार करना है, और आपके पास जो नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, हो सकते हैं कुछ लोग आपको, यू नो, आपसे बात करना चाहते हो, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है आपको पसंद भी करते हो, बट आपका ध्यान उधर नहीं है, आप उस तरफ देखना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन का इंतज़ार है, और यही वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में जो है एक बैलेंस लाएगा, एक ग्रोथ लाएगी। आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार है इस पर्सन का, बट इस पर्सन से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और ये क्लैरिटी आप चाहते हो डिवाइन की तरफ से। चलिए हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस, और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब तक देंगे, और बाकी मैसेजेस भी क्या आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। राइट, पाइल वन, ये क्लैरिटी इन्हें कब तक मिलेगी, यहाँ से मैं दो तीन कार्ड से निकालूंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका कनेक्शन है, आप जिनके लिए भी वेट कर रहे हो, यहाँ से बॉटम से आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन आप जिनका वेट कर रहे हो, आप जिनका, यू नो, इंतज़ार कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, हो सकता है आपकी ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकते हैं। तो ये पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है, अगर ये ऑनलाइन जुड़ा है, या फिर अगर आप ऑनलाइन इस पर्सन से मिले हो, तो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड ये रिश्ता है। इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज रही है, इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में इनकी वर्क और करियर को लेकर कुछ इश्यूज रही है, जिसमें इनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है,
और डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप यू नो थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा इंतजार करोगे, तो चीजें आने वाले टाइम में बदल सकती है। ये मैंने कुछ लोगों के लिए बोला है। यहाँ पे दूसरा भी मैसेज आ रहा है कि ये भी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत कर लिया आपने अब इंतजार, अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। ये जो एक टफ साइकिल था ये भी एंड होने वाला है। ये वाला जो है यू नो टफ साइकिल एंड होना और वेट करना बंद कीजिए, ये मुझे 60-70% लोगों के लिए लग रहा है कि हाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप इस इंतजार को छोड़िए, क्योंकि ये टफ साइकिल, ये दर्द जो है ये खत्म होने वाला है। अब आपके लाइफ में आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, कुछ लोगों के लिए आपको ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, और आपके वर्क और करियर में भी ना एक स्टेबिलिटी आने वाली है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं थोड़े और मैसेजेस। आपकी सोच, आपका ओपिनियन जो है वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वाओ, देखिए रीडिंग कितना मैच कर रहा है। मैंने बोला भी अभी आपको, ये देखिए सेम कार्ड आ है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स का, यानी कि ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो बहुत ही डेस्टाइंड है आपकी जिंदगी में आना, और वो आने वाले हैं आपकी जिंदगी में नेक्स्ट 2 वीक्स में, नेक्स्ट 2 डेज में हो सकता है। तो 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। मास्टर नंबर 2 है शैडो। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके अंदर है, छुपी हुई है, या फिर किसी एनर्जी से अगर आप परेशान हो, तो बोला जा रहा है कि इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अपने शैडो वर्क को कंप्लीट करें, यानी कि अगर कुछ चीज ऐसी है, कोई अगर प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो, या फिर अगर कोई बात है जो आपके अंदर है, तो उसमें क्लैरिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो नंबर 5, नंबर 2, नंबर 18 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे पाइल 2, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये क्यूट से बताएगे को, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के आपकी कौन सी विश है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जो बहुत जल्दी जो है मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम मेजर आर्काना कार्ड से चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो विश, क्या कुछ ऐसा है जो आपको जानने की जरूरत है, और क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। ऑलराइट, ये देखते हैं। ऑलराइट, चैरियट पाइल 2, चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए, और यहाँ पे आया है हेरोफेंट। यहाँ पे टॉरस और कैंसर की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस रीडिंग में। तो हो सकता है आप टॉरस हो, या फिर आपके पर्सन टॉरस, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, और या फिर कैंसर हो सकते हैं वो, या फिर आप, या फिर आप में से कोई वाटर साइन हो सकता है, या फिर अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। तो ये फिलहाल की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे टैरो से कि क्या है जो आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड, दैट इज एस ऑफ कप्स। ओके, आपकी कौन से विश पूरी होने वाली है पाइल नंबर 2। Queen of Pentacles, great. 7 of Pentacles, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। तो हो सकता है ये आपके आपके पर्सन, या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनका एक एनर्जी हो। Let's see. We have Temperance, Sagittarius. Okay. We have 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस की भी एनर्जी आ गई है। तो हो सकता है कुछ लोग एरीज लियो सैजिटेरियस हो यहाँ पे। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून पाइल 2। ऑलराइट, ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 1 में भी शायद यहीं पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और बॉटम से रूल कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑलराइटी, चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने तो बता ही दिया था रीडिंग करते करते, फिर भी बता रही हूँ। टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग नज़र आ रही है। वैसे यहाँ पे एक्वेरियस लीब्रा, मैंने एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई क्यों बोला,
यहाँ पे एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी लग रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है और यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। इसके अलावा मुझे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो देखने आए हो वो एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो, बट कोई बात नहीं, हम रीडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपने आइडल सिलेक्ट किया है और आज मैंने फाइल में कुछ ऐसा रखा नहीं है कि हाँ आप अपनी राशि को देखोगे, अगर आप ये देख रहे हो तो हो सकता है आपकी परिस्थिति मैच करे। लेट्स स्टार्ट। आपकी क्या विश पूरी होने वाली है पाइल नंबर टू? मुझे यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांगली नजर आ रहा है। सबसे पहला तो ये कि आपके लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि लव लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रही है। आपके लव लाइफ में जो है, यहाँ पे मैं ये 30-40% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपका जो लव लाइफ है उसमें थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए वो फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रियल पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी इशू है आपके लाइफ में और आप चाह रहे हो कि इस चीज से आपको निकलना है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। आप एक चेंज चाहते हो और बहुत जल्दी चेंज चाहते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका करियर कहीं स्टक हो गया, आप वर्क और करियर में स्लो हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है और आपका जो लक्ष्य है वो 10 of Pentacles जैसा है, यानी कि आपको पेंटिकल्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने लोन लिए हो, बहुत ज़्यादा डेब्ट, सो आपके लोग आपसे पूछते हो कि क्या भाई क्या हो रहा है, कब आप लोन्स क्लियर करने वाले हो, ऐसे अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसका रिजोल्यूशन चाह रहे हो। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो मुझे यही बता रहा है कि आने वाले वक्त में, यानी कि जो आने वाला टाइम है वो आपके लिए डेफिनेटली ऑप्शंस ला रहा है। अगर आपका लव लाइफ में इशू है तो लव लाइफ में आपको एक ऑप्शंस मिलने वाले हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या नहीं। ये जो थर्ड पार्टी इशू है ये भी आने वाले वक्त में, अगर कोई पर्सन ऐसे है या फिर आपकी थर्ड पार्टी इशू चल रही है आपके लव लाइफ में, इसमें आपके लाइफ में डेफिनेटली क्लैरिटी आने वाली है और ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिटी का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है क्योंकि कुछ तो है जो ड्रास्टिकली बदलने वाला है क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी इशू है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मेंटली भी परेशान करके रखी है, इससे आप बाहर आ जाओगे क्योंकि साथ में टेम्परेंस का कार्ड आया है। अगर वर्क और करियर की ग्रोथ की बात कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली आपके वर्क और करियर में ग्रोथ आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड है। यहाँ पे 2-10 की एनर्जी आप देख सकते हो, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो कुछ टफ साइकिल्स जो है आपके वर्क और करियर को लेकर जो है वो एंड होने वाले हैं और एक ग्रोथ तो डेफिनेट है आपके लाइफ में। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके माँ के हेल्थ को लेकर, अपनी मम्मी को लेकर अगर आप परेशान हो और देख रहे हो तो आपकी मम्मी के हेल्थ में भी डेफिनेटली सुधार होने वाला है। आपकी मम्मी जो है डेफिनेटली अब स्टेबल होने वाली है और जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठीक होने वाला है आने वाले वक्त में। तो आपकी जो लाइफ में चेंज है वो नेक्स्ट 6 days to 10 weeks में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 3 weeks में भी हो सकता है, 3 हफ्ते हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर अब आपके लाइफ में ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो या फिर क्लैरिटी ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 3 से 5 दिन में भी हो सकता है आपको इसका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे दो मास्टर नंबर्स नजर आ रहे हैं, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मास्टर नंबर 777, ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 777 इज इम्पॉर्टेंट, मास्टर नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं यानी कि कुछ मेजर चेंजेस जो है आपके लाइफ में होने वाले हैं। चलिए अब हम थोड़े और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके विश को लेकर। देखिए विश तो डेफिनेटली पूरी हो रही है क्योंकि आपने स्टेबिलिटी बना के रखी है, टफ साइकिल एंड हो रहा है आपके वर्क और करियर में, तो वर्क और करियर में जो है नए रास्ते भी आपकी ज़िंदगी में खुलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं जजमेंट। तो जो कार्मिक रिवॉर्ड है यानी कि अगर आपने सही किया है, आप जिस चीज़ के भी फैसले का इंतज़ार किया है वो निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे रहे। अगर आपने उस चीज़ में अपने कर्म अच्छे रखे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने नहीं रखेंगे तो भाई आपको सोचने की बात है कि आपको क्या मिलने वाला है, मुझे तो नहीं पता। किंग ऑफ वॉन्स आया है, ऑफकोर्स स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स रहे हैं जो भी रही है उसे अब आप यू नो अपनी लाइफ से डेफिनेटली बाहर करने वाले हो क्योंकि आप चाह रहे हो कि अब मेंटल पीस आए जिंदगी में क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सफ़र कर लिया है,
कुछ लोग, मैंने बोला भी था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि हो सकता है आपने लोन लिया है, डेप लिया है, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप कब उनके पैसे क्लियर करोगे, कब ये चीज़ ख़त्म होगी, या फिर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो इस चीज़ से भी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स आया है, मैंने बोला भी था कि थर्ड पार्टी इशू है, तो थर्ड पार्टी से कुछ लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी आने वाले वक्त में। चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे तीन कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आया है नंबर 6 मूविंग ऑन। यहाँ पे मास्टर नंबर 66 भी आ चुका है, तो ये नंबर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10 10 10 की एनर्जी है। टफ साइकिल्स आर एंडिंग फ्रेंड्स। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन के बारे में बात करता है कि आप अंधेरे से उजाले के तरफ आने वाले हो, यानी कि अगर अब तक सब कुछ बंद था, अगर परिस्थितियाँ स्टक थी, तो उससे आप बाहर आने वाले हो, लाइट के तरफ आने वाले हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, तो आपको चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी आने वाले वक्त में। टेम्पटेशन, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा लस्ट हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काम के प्रति टू मच डेडिकेशन हो, तो ये भी आने वाले वक्त में होने वाला है। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो आपकी फिनेंस की स्थिति, मैंने बोला भी था फिनेंसेस को लेकर कुछ लोग ये विश देख रहे हैं, तो हाँ आपकी फिनेंस की स्थिति जो है वो अचानक से चेंज होने वाली है। कोई नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, हो सकता है आप एक समय में दो काम करो, कैसे करोगे ये आपको पता है, हो सकता है पार्ट टाइम कोई काम कर लो, कोई हॉबी कर लो, जिससे आपके लाइफ में जो है जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो वो आ जाएगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय। पाइल 3, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाले बुध आइडल को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है, और क्या है वो विश। फैमिली रिलेटेड है, आपके पर्सनल इश्यूज को रिलेटेड है, आपके मैरिज को रिलेटेड है, आपके वर्क और करियर को रिलेटेड है, आप कोई लोन में हो उससे रिलेटेड है क्या ये विश, हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कार्ड्स निकालेंगे मेजर आर्काना से, और फिर हम देखेंगे कि ओके, एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, वो है हाई प्रिस्टेस। राइट, यहाँ से आया है जस्टिस। लिब्रा की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए अब हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि टैरो क्या कहना चाहता। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, राइट, द एम्प्रेस, मैजिशियन, क्या बात है। पाइल नंबर 3, मेजर आर्काना के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं 4, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, एम्प्रेस एंड मैजिशियन। ऑलराइट, एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ग्रेट, चैरियट, ऑलराइट, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग नजर आ रही है, और यहाँ पे साइन और एलिमेंट जो है वो मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप। यहाँ पे एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, मुझे फायर साइन तो नहीं दिख रहा। एनीवेज, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, और हम ये आइडल के थ्रू कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। परिस्थिति मैच होनी चाहिए, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपके लिए जो पहली एनर्जी आ रही है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ना, ये आपको क्लैरिटी नहीं देता, ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता सही से, और आपको ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आपका इस पर्सन के साथ। माने कि आप इस पर्सन को भूल ही नहीं पाते, हमेशा ये पर्सन आपके माइंड में रहता है, आप इस पर्सन को स्टॉक भी करते हो, इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, चाहते हो अपने आप में भी बदलाव लाना ताकि ये पर्सन आपके ज़िंदगी में रहे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपनी परिस्थिति को अपने आप ही स्टक कर लिया, आपको इस पर्सन ने नहीं बोला है कि ऐसे स्टक रहने या फिर ऐसे एंगेज एनर्जी में रहने, बट आपने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है इस एनर्जी में बंद करके रखा है और आपको इस पर्सन का इंतजार है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दी हो या फिर आपको क्लैरिटी का इंतजार हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो और ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर नंबर 8 हो, नंबर 7 हो, कुछ लोगों के लिए नंबर 6 भी हो सकता है। तो 8, 7, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हो सकता है आपके पर्सन जेमिनी हो या फिर कैंसर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्वेरियस भी हो सकते हैं या लीब्रा। तो ये कुछ साइन और एलिमेंट है। अब मैं एक और मैसेज जो आपके लिए नजर आ रहा है, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वो ये है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो, गुड न्यूज़ चाहते हो आपके लाइफ में, तो ये चीज़ भी आपके लाइफ में आने वाले वक्त में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने वाली है। आपका घर बसने वाला है और गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टाइन है। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप स्टक है और अगर आप उससे मूव आउट होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 30-40% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस रिलेशनशिप को आपने सच्चा समझा, वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, तो आप इस चीज से भी बाहर आना चाहते हो। तो आपको बोला जा रहा है इसके लिए आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आपको उस पर्सन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पर्सन को आना होगा, वो पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, आपका वक्त और आपका समय देखकर नहीं आएंगे। उन्हें जब आना होगा, जब डिवाइन को उन्हें भेजना होगा, वो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज देंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो आपके लिए बोला जा रहा है अगर आप मूव आउट करना चाहते हैं, तो अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो लव से हटाकर अपने करियर के तरफ थे, क्योंकि आपके करियर में ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि कंफ्यूज ना हो और कंफ्यूजन से बाहर निकले। देखिए, आप ऐसे भी क्लैरिटी ही मांग रहे हो डिवाइन की तरफ से, आप एस ऑफ सोर्स मांग रहे हो, आपको जरूरत है कि नहीं मुझे चीजें क्लियर हो और मैं आगे बढ़ पाऊँ। और कुछ लोग जो है वो अपने लव ऑफ द लाइफ का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों कितने ज्यादा रोमांटिक कार्ड से, आप देख सकते हो लवर्स है यहाँ पे, चैरियट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। माने कि आपको इस पर्सन का इंतजार है, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में आने वाले हैं और आपका ये इंतजार भी खत्म होने वाले हैं। ये अपने दिल की बात आपको बयां करने वाले हैं। यहाँ से मुझे ये भी मैसेज नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है अपने दिल की बात आपको कहने वाले हैं, आपको जिस चीज का इंतजार है वो भी आपको मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3 कि हाँ, ये पर्सन जो है आपको अपना लव कन्फेस करेंगे जिसका आपको इंतजार है। और अब तक अगर आपके रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, तो ये वाली एनर्जी से भी बाहर आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दोनों 8 के कार्ड्स जो है वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पे ये लड़की ट्रैप्ड है, यानी कि इसको दिख रहा है कि ये ट्रैप्ड है, बट ये रियलिटी में ट्रैप नहीं है। और यहाँ पे 8 of cups बात करता है कि किसी पर्सन को छोड़कर चले जाना, कोई आपको या तो छोड़ के चला गया या फिर आप किसी को छोड़कर आगे निकल लिए हो। तो ये दोनों के बीच में भी जो है एक बैलेंस आने वाला है, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है वहाँ पे मैजिशियन का। चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या है विश आपकी जो मैनिफेस्ट होने वाली है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का है, तो और साथ में मैजिशियन भी है। स्टेबिलिटी तो आ ही रही है कुछ लोग के लव लाइफ में, और कुछ लोग के लाइफ में गुड न्यूज भी आ रहा है। एक कार्ड हमारे पास आ गया है 2 of wands। अब आप डिसीजन सही ले पाओगे, अटकोगे नहीं, क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, अब आप किसी इफ बट में नहीं रहोगे। यहाँ पे आ रहा है 9 of wands एंड वी हैव अ पेयर एम्परर एंड एम्प्रेस, वेरी नाइस। तो एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। एक और कार्ड मैं लूंगी आपके लिए। यहाँ पे कार्ड आया है 9 of cups और एक कार्ड खुद से ही आ गया था मून। इमोशंस जो है बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में है, इमोशनल ना होए, क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है फ्रेंड्स। 6 of pentacles बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर आप किसी पर्सन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो और अगर आपको पता है ये पर्सन आपके लाइफ में क्या मायने रखते हैं, तो ये पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, और ये अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि सबके लिए ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 50% लोगों के लिए अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो ये पर्सन अपने दिल की बात कहने वाले हैं और ये अपने इस मून वाली परिस्थिति से डेफिनेटली बाहर आने वाले हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
पाइल नंबर थ्री. ओके, कार्ड खुद से ही आ गया है. यूनिवर्स डेस्टाइंड है आपका रिलेशनशिप. नंबर 21 इम्पॉर्टेंट है. नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, किसी गेट टुगेदर में बहुत जल्द मिलने वाले हो इस पर्सन से और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आप तक कन्फेस करेंगे. वाओ, मैंने बोला भी, आई लव इट. तो देखिए, डिवाइन भी कंफर्मेशन दे रहे कि हाँ, आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है सोलमेट भी हो, क्योंकि हर एक की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो आपके लिए सोलमेट भी हो सकते. और बॉटम में देखिए, बहुत जल्दी ये होने वाला है. एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ये जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी होने वाला है. नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, गुड न्यूज मुझे इस पाइल में कितनी मिल रही है. ये तो बैलेंस का कार्ड होता है. यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे आपने देखा ही होगा, मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है. तो ये एक पेयर है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्परर भी है और यहाँ पे एम्प्रेस भी है. व्हाट एन इंटरेस्टिंग रीडिंग मैन, व्हाट एन इंटरेस्टिंग रीडिंग. तो यहाँ पे दो दो पेयर्स है. तो हाँ, कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है और सभी के सभी आ रहे हैं आपकी जिंदगी में. ऑलराइट, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक करें. चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. बाय बाय. हे पाइल 4, वेलकम बैक टू रीडिंग. तो अगर आपने सेलेक्ट किया है क्यूट से बुद्ध आर्टिकल को, तो चलिए देखते हैं आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट होने वाली है और किस चीज से रिलेटेड है ये विश, क्या इन्फॉर्मेशन ये विश आपको देना चाहती है और क्या है आपके मन की बात. चलिए, सारे टॉपिक को आज हम देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन सी विश जो है आपकी होने वाली है. मैनिफेस्ट साइन और एलिमेंट हम कार्ड्स देखने के बाद बात करेंगे, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका साइन और एलिमेंट है या नहीं. अगर ये मैच नहीं करती तो आप बाकी सारे रीडिंग्स भी देख सकते हैं, उसमें भी से भी आप अपने साइन और एलिमेंट को मैच करके रीडिंग को देख सकते हैं. ऑलराइट, नहीं मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, बस मैं आज खुद से सिलेक्ट कर रही हूँ. ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं. ऑल राइट, आपके लिए आया है हेरोफेंट का कार्ड. टॉरस की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. स्टार एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है. तो हो सकता है आप स्टार सीड हो, या फिर आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन स्टार सीड हो, कुछ भी हो सकता है. चलिए, अब हम टैरो से देखेंगे कुछ कार्ड्स और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या लेकर आ रहा है, क्या है विश. विश तो है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है. विश तो बहुत है, यहाँ पर डिवाइन भी विराजमान है. शादी को लेकर विश है क्या आपकी, बताइएगा कमेंट में. शादी को लेकर सोच रहे हैं, अरेंज मैरिज करना है आपको, या फिर कोई दिल में छुपा हुआ है आपके, कुछ ऐसा है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे. ये देखिए, मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज़. डेफिनेटली आपकी विश जो है वो फुलफिल तो होगी. लेट्स फाइंड आउट. ऑलराइट जी, पहला कार्ड आया है आपके लिए 9 of Swords. Alright. Okay, we have Queen of Cups, we have 6 of Pentacles. Sweet. Sweet energy. नहीं, इतनी नहीं दूंगी मेरे पास. सारे के सारे आ जाएंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जानी है. Alright. यहाँ पे आया है 4 of Pentacles का कार्ड. ग्रेट. ऑलराइट, हाई प्रीस्टेस तब भी आ रहा था ना, देखिए आ ही गया हाई प्रीस्टेस. ठीक है, जिसे आना होगा वो आ ही जाएगा मुझे ये लगता है. मैं क्यों ऐसे ही कार्ड्स को पिक करूँ. अगर उस कार्ड को आना है तो वो आ ही जाएगा. वी हैव 10 of Swords. 9 of Swords भी है हमारे पास, कोई बात नहीं. विश भी तो आपने ऐसी की है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ चल रहे हैं आप, कहाँ जाना है आपको फ्रेंड्स. चैरियट, जाना ही है आपको. ये घोड़े पे सवार एम्प्रेस. ऑलराइट, एक और कार्ड मैं लूंगी और फिर हम साइन और एलिमेंट की बात करेंगे. चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था साइन और एलिमेंट को लेकर, पर हम पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं. वो है 2 of Cups. ये पाइल नंबर 4. एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. हो सकता है आप हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज है.
यहाँ पे एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है फ्रेंड्स। ऑलराइट, मुझे यहाँ फायर साइन नहीं दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जीज मैच करती है तो आप रीडिंग देख सकते हो, अगर आपने इसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो। चलिए अब आपकी विश क्या है। देखिए, मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था पाइल नंबर 4 कि आपकी विश कहीं ना कहीं आपकी शादी को रिलेटेड है, आपके पर्सनल लाइफ को रिलेटेड है, यानी कि मैरिज, शादी के बाद क्या होगा, शादी किससे होगी, शादी में क्या करना है। तो देखिए, ये रीडिंग शादी किससे होगी ये वो रीडिंग तो नहीं है, हम विश की बात कर रहे हैं। अगर आपको वो देखनी है तो वो रीडिंग भी मैं अपने चैनल पर देने वाली हूँ, आप देख लेना कि आपकी शादी किससे होगी। बट यहाँ पे अगर आपकी विश शादी से रिलेटेड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थितियाँ आने वाले वक्त में डेफिनेटली बनने वाली हैं आपकी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है। देखिए, पास्ट की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो कुछ ऐसे रिश्ते हुए हैं आपके ज़िंदगी में जो आए थे बड़े हसीन तरीके से आपके ज़िंदगी में, आपने सोचा भी नहीं था कुछ पर्सन आपके लाइफ में आए, दस्तक दे गए, आपको लगा कि बस यही है, फाइनल है आपकी ज़िंदगी में, आपको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, पर वो पर्सन बिल्कुल चले गए आपकी ज़िंदगी से आपको छोड़कर, और आप इस पर्सन छोड़कर माने कि किसी और के साथ चले गए, या फिर हो सकता है वो मूव ऑन कर लिए, या फिर उनको आप पसंद नहीं आए, या फिर कुछ भी ऐसी परिस्थिति बनी तो आप हो गए कम्प्लीटली अकेले, आप हो गए तन्हा अकेले और लाइफ में कुछ ऑप्शन बचा नहीं, तो अब आप बस चलते जा रहे हो। देखिए, ये कार्ड बात करता है कि आप जा रहे हो, आप ना पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना कुछ देखने के लिए, कहाँ जा रहे हो आपको भी नहीं पता है। तो एक मूवमेंट जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में, और एक स्टेबिलिटी जो चाह रहे हो सकता है आपका विश। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप शादीशुदा हो और आप एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई गुड न्यूज़ कब आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है। तो कुछ लोगों की ये विश भी जो है आने वाले 6 वीक्स तक आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ लोगों के लिए 6 डेज भी हो सकता है। तो हाँ, आने वाले 6 दिन से 6 हफ्तों में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपके गुड न्यूज़ का, आपके घर में गुड न्यूज़ आने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई लोग आपको धोखा देकर गया है पास्ट में, आपका दिल तोड़ कर गया है, चीटिंग की है आपके साथ, आपको झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी इशू रही है, तो इस प्रॉब्लम से भी, ये जो एक भंवर है आपकी ज़िंदगी में, इसमें आप क्लैरिटी चाहते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपके मन में चलती है कि भगवान मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, क्योंकि आप विश करते हो। अब आपको कोई लव अफेयर में नहीं पड़ना, आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी अब शुरू करना चाहते हो जो स्टेबल हो। स्टेबल माने ये हो कि उसकी मनोस्थिति सही हो, माने कि वो अब फ्लिंजेस पे नहीं पड़े कि उनके बहुत सारे फ्लिंग्स हैं या फिर उनके बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं, आप एक टाइम पास हो, ये सब आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि वो अब समझे, रिश्ते को समझे, ग्रोथ के बारे में सोचे, वो ये सोचे कि हाँ अब इस पर्सन के साथ फाइनली घर बसाना चाहिए, आप ऐसे एक रिश्ते को ढूंढ रहे हो और ये है आपकी विश। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले, मैंने बोला भी आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में कुछ लोगों के लाइफ में ना एक बैलेंस आएगा, कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, साथ में वर्ल्ड भी आ गया है। मैं क्या बोलूँ, कितने कार्ड्स हो, ये देखिए 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। तो जी हाँ, कुछ लोगों के लाइफ में जो है एक ऐसी परिस्थिति बनने वाली है, आपका जो है जो टफ साइकिल है वो एंड होने वाला है। देखिए, हुआ नहीं है फिलहाल के कार्ड्स में, होने वाला है। तो ये जो स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में आ रही है, यहाँ पे मुझे 20-30% लोग ऐसे लग रहे हैं जो अपने वर्क को लेकर ये पाइल को सिलेक्ट किए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके वर्क लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बट उसके लिए आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, थोड़ी सी कमी हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़े से वर्क और करियर में जो है ना ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, वही बाद में आपके लाइफ में ट्रबल कर सकती है। नेग्लिजेंसी मत कीजिए, अगर आपसे जितना हो रहा है उसे फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए, तो चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी आपके वर्क और करियर में। ऑलराइट, अब हम थोड़े से और मैसेज देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं पाइल को और आपके विश को लेकर, और फिर हम देखेंगे कि आपको और क्या मैसेजेस हैं। सारे के सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ही गिरा था अभी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
इतने सोर्ट्स के एंड शेड्स ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। यहाँ से हरमिट का कार्ड आया है। फ्रेंड्स, आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में जब आपके आने वाले वक्त में ऑप्शन सारे हैं आपके लाइफ में, ऑप्शंस हो सकता है आपके वर्क और करियर को लेकर हो सकता है कुछ लोगों के लिए बाहर जाने का ऑफर हो, तो आप जो ऑप्शंस है आपके लाइफ में उसे सोच समझ कर ले, क्योंकि एक गलत ऑप्शन आपको फिर से कहीं ना कहीं अकेला तन्हा ऐसा कर सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखें। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, साथ में हेरोफेंट का आया है। माने ये है कि ये जो आपकी अंदर एक उदासी थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन भी आने वाले हैं। दो दो हेरोफेंट का कार्ड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जी हाँ, शादी किसी की फिक्स हो सकती है, शादी में सेटलमेंट हो सकती है, और आपको जो पर्सन मिलने वाले हैं वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका पर्सनल भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है उनके पर्सनल लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको आपके वर्क के एरिया में मिल सकते हैं, अपने वर्क लाइफ में मिल सकते हैं। ये पर्सन भी आपकी मनोस्थिति को समझेंगे और ये पर्सन भी ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से बना पाएंगे। ऑलराइट, आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले कन्फ्यूज ना हो जाए। ऑलराइट, आपके लिए आ रहा है पैशनेट रिलेशनशिप, पैशन इग्नाइटेड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये मैरिज का कार्ड होता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जी हाँ, शादी ही शादी है भाई। वेटिंग टाइम, तो ये जो आपका वेटिंग टाइम है ये भी बहुत जल्दी एंड होने वाला है। ऑलराइट, और यूनिवर्स तो है ही आपके साथ। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।